सुशासन, ये वो व्यवस्था है जिसका ढिंढोरा खूब जोर शोर से पीटा जाता है। सरकार अपना सुशासन राग गाती है तो प्रशासन अपना। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, इसका जीता जागता उदाहरण ये वीडियो है जो आप देख रहे हैं। शक हो गया, शक हो गया, कर्मचारी बैठन मारते हैं, कर्मचारी बैठन मारते हैं, हमारी कोई नहीं सुनते हैं, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम मंदिर में देवी देवताओं को मनाने के लिए जैसे श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं, ठीक कुछ इसी तरह की परिक्रमा इस बुजुर्ग को करनी पड़ी, वो भी दंडवत लेटकर। मामला मंदसौर का है। यहाँ के रहने वाले एक बुजुर्ग शंकर लाल ने आरोप लगाया कि कलेक्ट्रेट में पोस्टेड एक बाबू ने धोखे से उनकी जमीन अपने बेटे के नाम करा ली है। बुजुर्ग का कहना है कि उनकी 9 बीघा जमीन है जिसके लिए वो साल 2010 से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं जमीन व कलेक्टर का प्रधान है, बाबू का लड़का आशीन देशमुख, वो आरम ने चाहता वह आरम नहीं है, अभी हमारे पास ही कब्जा देना के हम कैसा हो तो आप बात करो नहीं तो मत करो। अब जाहिर सी बात है, 14 साल से अगर इंसाफ ना मिले तो आखिरी रास्ता शायद परिक्रमा करने का ही बचता है। कलेक्ट्रेट ऑफिस में 16 जुलाई को पहुंचे शंकर लाल ने आखिरकार जिम्मेदारों के कान तक अपनी आवाज पहुंचाने का रास्ता खोज ही लिया और दंडवत होकर परिक्रमा करने लगे। मामले में अब कलेक्टर का भी बयान सामने आया। कलेक्टर साहब पूरे मामले को सिविल कोर्ट का बता रहे हैं। श्री शंकर लाल जी के जो सह खातेदार है, उन्होंने 2010 में उस जमीन को रजिस्ट्री के माध्यम से बेच दिया गया था और उसका नामांतरण भी हो गया है, परंतु जिन्होंने खरीदा है उन्होंने अभी उनको कब्जा नहीं मिला है, अभी भी कब्जा श्री शंकरलाल जी का ही है और वो ही खेती करके उस पर काबिज है। श्री शंकरलाल जी का ये कहना था कि वो गलत हुई है रजिस्ट्री, तो उसके लिए उनको बेसिकली हमने समझाया है, समझाइश दी है कि या तो रजिस्ट्री को सिविल कोर्ट में चैलेंज करें या फिर उसके संबंध में यहाँ पे ऐसा कोई मतलब पेंडिंग नहीं है कार्रवाई जिसपे हम कार्रवाई कर सके। और जहां तक बात कब्जे की है, अभी भी आवेदक का ही कब्जा है पूरी जमीन पे, 1/2 खुद की वाली पे भी और जो बेचा गया है उनके सह खातेदारों द्वारा, जो उनके परिवार के अन्य मेंबर हैं उनके द्वारा जो बेची गई है उस पे भी अभी आवेदक शंकरलाल जी का ही कब्जा है। कलेक्टर का तो कहना है कि जमीन पर अभी भी बुजुर्ग का ही कब्जा है, जबकि बुजुर्ग तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। कुल मिलाकर मामला क्या है ये तो जाँच के बाद ही साफ हो पाएगा। संवाददाता आमिन हुसैन की रिपोर्ट।